दुबले पतले दिखने वाले नील नितिन मुकेश अचानक बने विलेन, जान लिए बाहुबली बनने का राज। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश 15 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनका जन्म साल 1982 में हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में नील नितिन मुकेश को चोर बॉडी वाला एक्टर कहा जाता है। अगर वह फुल स्लीव वाली शर्ट पहने तो उनकी मसल नहीं दिखेगी, वहीं दूसरे पल अगर वह सिर्फ गंजी बनियान पहनकर खड़े हो जाएं तो उनके डोले शोले देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे शरीर की वजह से वे लगभग हर तरह के रोल में फिट हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों वे अपनी फिल्म साहो के लिए खुद को अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। फिल्म साहो में नील नितिन मुकेश नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। जाहिर है फिल्म के हीरो बाहुबली प्रभास के साथ उनके फाइट सीन भी देखने को मिलेगी। प्रभास के टक्कर का दिखने के लिए नील नितिन मुकेश नियमित रूप से जिम में जाकर अपनी कट काठी रोल के हिसाब से ढालने के लिए जमकर पसीने बहा रहे हैं। 16 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया जिम नील नितिन मुकेश स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। वह बचपन से ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस खेल रहे हैं। जब वह 8वीं क्लास में थे तब यह पार्क के बीच चक्कर लगाते थे। कॉलेज जाते ही उन्होंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, तब उनकी उम्र 16 साल की थी। बॉडी प्लान नील नितिन मुकेश हफ्ते में कम से कम 4 बार जिम जाते हैं। बचकर 15 दिन पर वे सर्किट ट्रेनिंग करते हैं। हफ्ते में वे 3 दिन कार्डियो करते हैं। इसके लिए वह या तो सड़कों पर साइकिल चलाते हैं या फिर जिम जाकर मशीन पर यह एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा वे पड़ोसियों के साथ वॉलीबॉल भी खेलते हैं। नील नितिन मुकेश की कमजोरी, जो लोग फिटनेस को लेकर गंभीर रहते हैं, वे मीठे खान पान से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन नील ऐसा नहीं करते। वह मिठाइयों को दवाइयों की तरह खाते हैं। उनका मानना है कि अगर आप हर दिन अपनी पसंदीदा चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, तो चीट डे का बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नील नितिन को गुलाब जामुन, जलेबी और मिल्क केक बहुत पसंद है।